मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने को लेकर कहा कि अब ये तो राहुल गांधी को तय करना है कि गद्दार कौन है। उन्होंने कहा, जिनके पिता राजेश पायलट पूरे जीवन भर कांग्रेस समर्पित रहे और खुद सचिन पायलट कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनको सार्वजनिक गद्दार कहना ठीक नहीं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने को लेकर कहा कि सचिन पायलट एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। सचिन पायलट को सार्वजनिक गद्दार कहना ठीक नहीं। मिश्रा ने कहा, गद्दार कौन है ये तो राहुल गांधी को तय करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में गहलोत ने आलाकमान सोनिया गांधी को आंखें दिखाई। कांग्रेस से किसने बगावत की, अब गद्दार कौन है? जिन्होंने सोनिया गांधी को आंखें दिखाई वो, या जिसने अशोक गहलोत को आंखें दिखाई वो? अब तो ये राहुल गांधी जी को ही तय करना है कि गद्दार कौन है। गहलोत जी तो तय कर नहीं सकते। जिसके पिता आदरणीय राजेश पायलट जी पूरे जीवन समर्पित कांग्रेस को रहे, जिसका बेटा सचिन पायलट जी भी आज तक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनको ऐसे सार्वजनिक गद्दार कहना? जबकि अभी सोनिया जी ने जब अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कहा तो किसने बगावत की? अब गद्दार कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जिन्होंने सोनिया जी को आंखें दिखा दी वो, या जिन्होंने गहलोत जी को दिखाई वो? ये तो तय अब राहुल बाबा ही करेंगे मध्य प्रदेश। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।